नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज ही हमारे पास एक टीवी है, तो इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि पूरा कलर रेड आ रहा है। तो आपने देखा रेड कलर आया दोस्तों, जिसको आज हम इस वीडियो में सही करने वाले। दोस्तों इस तरह की समस्या में रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई सा भी कलर आ सकता है, आप उसको इस तरह से सही कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट से टीवी को ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जब तक हम टीवी को ओपन कर रहे हैं, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट हमने टीवी को ओपन कर लिया है, बस करने ही वाले क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड को फास्ट कर दिया है। तो ठीक है, टीवी हमारी ओपन बस हो चुकी है, बॉडी निकाल लेते हैं। दोस्तों ये समस्या जो हमारी होती है कलर वाली, कलर की समस्या हमारी ये बेस वाले सेक्शन से जो हमारे RGB के जो सप्लाई जिस बोर्ड में जा रही है, जो इसमें इस जिसको निकाल रहा हूँ या इस बेस बोर्ड हमारा, इसी हमारे इसी सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बीच में कॉल आ जाने से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। दोस्तों सबसे पहले हमको सप्लाई चेक करनी होगी कि यहाँ पर सप्लाई हमारी कितनी बन रही है। तो आप एक बात जान लीजिए, जिस ट्रांजिस्टर के सेंटर पॉइंट में सप्लाई सबसे कम होगी, उसी का रंग सबसे ज़्यादा चढ़ के आएगा फिक्सर ट्यूब के डिस्प्ले पर। ठीक है, 180 वोल्ट की सप्लाई ट्रांजिस्टर पे आती है, कलर पाने के बाद ये सप्लाई 160, 170, 150, 140 तक हो जाती है। तो जिस ट्रांजिस्टर, तीन ट्रांजिस्टर हैं, इन ट्रांजिस्टर में जिस ट्रांजिस्टर पर भी आपका सप्लाई सबसे कम रहेगा, वही कलर सबसे ज़्यादा उभर के आएगा डिस्प्ले पर, जो हमारा पिक्चर ट्यूब है उस पर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं किस ट्रांजिस्टर पर हमारा जो है सप्लाई सबसे कम है। तो मैंने वीडियो को लगा लिया है ताकि आवाज़ आती रहे। ठीक है, तो ये पहला ट्रांजिस्टर 128 और ये दूसरा 177, तो मेन था। तो ये 98 वोल्ट की सप्लाई हमारा 99 हो गया, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे RGB के वोल्टेज आ रहे हैं, मैं उनको भी चेक कर लूँगा कितने कितने सप्लाई हमारी आ रही है। तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई, लगभग 4 वोल्ट सी, 3 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, तो कलर के हिसाब से ये हो सकता है आगे भी कुछ कलर में सेटिंग की गई हो, तो उसको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर के दोनों तरफ आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ट्रांजिस्टर लीकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या हमको देखने को मिलती है। तो फिलहाल मैं ट्रांजिस्टर को चेक कर रहा हूँ, तो ये बीच वाला जो ट्रांजिस्टर हमारा निकला है, ये रेड कलर वाला ट्रांजिस्टर, इसका एक तरफ की सप्लाई हमारी नहीं बता रही है। तो ये बीच में ट्रांजिस्टर जो है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा समस्या नहीं देखना चाहते हैं, तो आप एक काम करिएगा, सारे ट्रांजिस्टर जो हैं आप उनको एक साथ चेंज कर दीजिए। तो ऐसे आप आसानी से जो नहीं जानते हैं वो भी सही कर लेंगे, क्योंकि ये वाली समस्या अधिकतर कर ये हमारे ट्रांजिस्टर से ही होती है। तो आइए मैं एक ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। तो ट्रांजिस्टर इसमें मेरे पास नया है नहीं, तो मैं किसी सर्किट का हेल्प लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सर्किट पड़ी हुई हैं। तो एक सर्किट में से मैं नीचे काउंटर में से सर्किट रखी हुई है, सब पुरानी सर्किट, तो उसमें से मैं एक 2482 नंबर का ट्रांजिस्टर, यहाँ पे कलर का ट्रांजिस्टर वही लगता है 2482, तो यहाँ पे मैं यह पुराना ट्रांजिस्टर एक लगा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, क्योंकि सब में ख़राब नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम सर्किट को देख कर भी रखते हैं किस को हम कौन सी सर्किट हमारे काम आने वाली है। तो फटाफट से हम इसको लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल हो, आपका भी कोई अगर टीवी वगैरह कुछ भी हो रिपेयरिंग के लिए हो, तो आप हमें कमेंट करिए और अपनी समस्या का हल आसानी से प्राप्त करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनका भी काम हो सके ये कलर वाली समस्या का। और दोस्तों इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बस ट्रांजिस्टर हमारा लगने ही वाला है, तो बस ट्रांजिस्टर लग चुका है, इसका हम क्लीनिंग करना ना भूलें बिल्कुल। अगर सटा होगा तो आपको क्लीनिंग करने समय ये आपको पता चल जाएगा कि हमारा कोई पॉइंट सटा है, तो इसलिए क्लीनिंग ज़रूर किया करें आप सब।
तो आइए मैं इसको पावर में लगा रहा हूँ। सीरीज में दोस्तों जब भी हम टीवी कोई बनाते हैं तो सीरीज का ही यूज करते हैं। तो सप्लाई अब देखते हैं, तो हमारे बीच वाले ट्रांजिस्टर पर किनारे साइड ये आ गया 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ चुकी है। पहले दोस्तों वहाँ पे 0 वोल्ट की सप्लाई थी, लेकिन अभी हमारी सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, तो कलर चेंजिंग हो चुका है। 122 वोल्ट की सप्लाई, पहले 99 वोल्ट आपने देखा था, 122 हो गया है, तो पहले से सप्लाई ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो कलर भी कम आएगा। पूरा रेड था, अब कम आएगा। तो आइए देखते हैं लगा के, अगर कुछ सेटिंग करना होगा तो उसको भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले का और अब का अंतर आप समझिए कितना अंतर हो जाता है बस एक ट्रांजिस्टर को चेंज करने से दोस्तों। तो लगाते हैं पावर में और आपको दिखाते हुए चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, पावर में हमने लगा दिया है टीवी को, बस डिस्प्ले के आने ही वाला है। तो देख सकते हैं जो रेड कलर था अब ये ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है, और बाकी ट्रांजिस्टर दोस्तों सब सही है, बस ये कलर जो है हमको सेट करना पड़ेगा। तो हमारा रेड कलर हट चुका है और दूसरा कलर ये ग्रीन कलर अब इस पर ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम फैक्ट्री खोल के सही कर सकते हैं। तो आइए आगे मैं आपको सही करके दिखाता हूँ, उससे पहले हम कई सारे चैनल जो है चेंज करके देख लेंगे कि कहीं उसी पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन इसमें ज़्यादा है, तो इसको हमको सेट करना पड़ेगा। आप अपने मन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर दोस्तों जो था हमारा वो अब जा चुका है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी समस्या सही हो चुकी है, और आप सेट करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैंने आपको इसमें सेट करना भी सिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और ये जो हमारा 57 वाला रिमोट होता है, इसमें बीच में जो एकदम नीचे साइड पॉइंट दिया रहता है, उसी में कुछ डाल कर दबाने से पतला सा कुछ भी डालेंगे आप तो उससे हो जाता है। तो मैं कलर एडजस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो ठीक है, आप देखते रहिए, मैं मिलूँगा आपसे नए वीडियो में। जिसको भी सेट करना है वो वीडियो पूरा देखेगा, आसानी से आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं RC और GC और BC, ये हमारे रेड कलर है RC, और GC जो हमारा ग्रीन कलर है, और BC हमारा ब्लू कलर है। तो इनको आप चला के बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेट करने का और एक आसान सा तरीका है, अंदर मेनू में जाके, ये फैक्ट्री खोलने से पहले मेनू में जाके आप वहाँ से कलर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर लीजिएगा। तो कलर अगर ब्लैक एंड वाइट आएगा तो आप काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम किसी नए वीडियो पे, नए वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक पर नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारी सारी समस्याएं सही हो चुकी हैं, तो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। किस थाने से हैं लोग? हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ना डरे अपने सहारे की लाठी से, तेंदुए का किया मुकाबला, दुम दबाकर भागा तेंदुआ। बीमार पड़ेंगे ईशान सर, फर्क आया नहीं। और अगर उसने गलती की, उसकी एक कमजोरी तुम्हारे हाथ में आई है इतनी मुश्किल से, तो उसको ऐसे जाने दो गए? हाँ, बड़ा बड़ा बड़े बन गए तुम कि मेरा दिल बड़ा है, मैंने उसे माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया तुमने उसे? गुम है किसी के प्यार में। आप भी सोच रहे होंगे ना कि मैं ये गाना क्यों गुनगुना रही हूँ, जब दिल किसी के प्यार में सुबह शाम गुम रहे हैं। तुम आप मैं कुछ बचा तो सड़कों पे भी लगवा दूंगा।
सरकार ने हेलीकॉप्टर्स से मछुआरों को अलर्ट जारी किया।